हेलो एवरीवन, मैं हूं सोमेर, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो पे। तो दोस्तों, आप लोगों ने बहुत बार मुझे पूछा है कि सर आपने तो बता दिया एडमिशन कैसे करना है, एडमिशन हम कर भी लिए, अब बताइए हम वहां पे आ भी चुके हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, पढ़ना कैसे है। आप लोग बहुत सारे अभी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, वहाँ जाने के बाद थोड़ा सिनारियो अलग हो जाएगा और जो नए बच्चे भी आने वाले हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा और जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। इसमें हम बताएंगे कैसे हम पढ़ने वाले हैं। मैं आपको एच ए दोस्त एक सीनियर के हिसाब से आप लोगों को बताऊंगा, कुछ सजेशंस दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं टीचर की तरह आपको रटने को बोलूंगा, मैं आपको कुछ थ्योरी बेस्ड चीज़ नहीं बताऊंगा, आपको एज ए सीनियर में बताऊंगा कैसे मैंने पढ़ा था, कैसे आप लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए उसके हिसाब से मैं बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को कि रेगुलर होना है। किस में रेगुलर होना है? जो लेक्चर्स हैं, जो क्लासेस हैं, उनमें आपको रेगुलर होना है। क्योंकि वहाँ पे देखिए, पहले तो फाइन को आप अलग रख दीजिए, फाइन आपको देना पड़ता है, एक्स्ट्रा वर्क आपको करना पड़ता है, वो उसको अलग रख दीजिए। लेकिन आप अगर रेगुलर रहेंगे तो आपको टीचर्स जानते हैं अच्छे से, आप अगर इंटरेक्शन करते हैं हर टाइम, आप अगर इंटरेक्शन नहीं भी करते, क्लास अगर हर टाइम आ रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होता है ये। कुछ ना कुछ तो आपको पता होता है उस सब्जेक्ट के बारे में। आप अगर एक दो घंटा वहाँ पे बैठते हैं, एक सब्जेक्ट के बारे में आप पढ़ते हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपको आइडिया हो जाता है। तो जब आप बाद में उसको पढ़ेंगे तो आपको कुछ आइडिया ऑलरेडी होता है और इसके बाद आपको जल्दी ग्रेस्प हो जाता है वो जो भी आप पढ़ते हैं। तो पहला जो पॉइंट है, रेगुलर होना है। अभी आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। आप रेगुलर तो हो गए लेकिन आप पढ़ रहे हैं, आपको याद नहीं आ रहा, तो आप ये बोलना चाहते हैं कि इतना बड़ा बड़ा जो बुक्स है उसको कैसे याद करें। मेडिकल इतना भाष सब्जेक्ट है जो कि आप पूरे 6 साल में पढ़ेंगे तो भी ख़त्म नहीं होगा, तो उस सब को कैसे याद रखना है उसके बारे में मैं अगर आपको बताऊं, तो आपको एक प्रैक्टिकल मैनर में सोचना है, प्रैक्टिकल मैनर में आपका थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, देखिए ये कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे सोचिए कि आप ऑलरेडी एक डॉक्टर हैं और आपके पास कोई पेशेंट आया है और उसको जो जो सिम्टम्स है उसके बाद आपको क्या डायग्नोस करना है, कैसे डायग्नोस करना है, कैसे ट्रीटमेंट देना है, वो सब आपको देखना है। तो मैं एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ, पीपीएच का एक एग्जांपल लेते हैं, पोस्टपार्टम हिमोरेज। एक आपके पास एक 40 इयर्स वुमेन आ रही है जिसका एक बेबी हो चुका है, ये सेकंड प्रेगनेंसी उनका है और प्रेगनेंसी के बाद उनका ब्लीडिंग बहुत हो रहा है। तो आपको जानना पड़ेगा कि ब्लीडिंग किस लिए होता है, क्यों होता है, तो आपको उसके हिसाब से सोचना है। पहले तो आपको ये देखना है कि नॉर्मल डिलीवरी में कितना ब्लीडिंग होता है और कितना से ज़्यादा होने से आपको उसको एक्सेसिव ब्लीडिंग बोलेंगे या पोस्टपार्टम हेमोरेज बोलेंगे, पीपीएच बोलेंगे। तो पहले तो नॉर्मल डिलीवरी में आपका 500 ml ब्लीडिंग होता है, अगर सीजरियन सेक्शन हो रहा है तो उसमें 1000 ml ब्लीडिंग होता है लगभग, ये अप्रोक्स में बोल रहा हूँ। और अगर 1000 से ज़्यादा होता है तो माइल्ड पीपीएच बोला जाता है, मॉडरेट पीपीएच 1500 से ज़्यादा को बोला जाता है, 2000 से अगर ज़्यादा यानी कि 2 लीटर से ज़्यादा अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको सीवियर बोला जाता है। तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करना है, आपको मैनेजमेंट करना है। अगर सीवियर है तो इमरजेंसी कंडीशन है, अगर माइल्ड है तो आप कुछ मेडिकेशन लाइक ऑक्सीटोसिन या मिथाइल आर्गोमेट्रिन ये देके आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन मिथाइल आर्गोमेट्रिन एक कॉन्ट्रैक्ट कर देता है आपका जो यूटेरस को, तो ब्लीडिंग कम हो जाता है। लेकिन इसको आप कुछ जगह पे आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो कौन कौन से जगह पे आप यूज नहीं कर सकते, आप अगर खुद दिमाग लगाएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। कोई अगर हार्ट डिजीज़ है तो उसमें आप इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी आपका हार्ट ज़्यादा पंप हो रहा है, ज़्यादा वर्क कर रहा है, उसके ऊपर आप अगर कॉन्ट्रैक्टिव मेडिसिन दे देते हैं तो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होके, ज़्यादा वर्क प्रेशर, ज़्यादा वर्कलोड होके हार्ट को और नुकसान हो सकता है। इसके बाद प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन अगर है मदर को, तो उस केस में भी ये आपको नहीं दे सकते, क्योंकि ऑलरेडी ब्लड प्रेशर हाई है, ये देंगे तो ब्लड प्रेशर और हाई हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों को जो क्लॉटिंग फैक्टर है उसके बारे में पता होगा, तो फैक्टर 7 आप देख सकते हैं इस जगह पे, फाइब्रिनोजेन दे सकते हैं। तो ऐसे आपको प्रैक्टिकल मैनर में सोचना है, कैसे डायग्नोस करना है, कैसे मैनेजमेंट करना है, ये सब आपको एक डॉक्टर की तरह आप सोचेंगे तो आपको जल्दी से याद रहेगा। और जो एनाटॉमी ये सब है जो कि आपको याद रखना होता है, उसको आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसको आपको एक तरफ से मैं बोलूं तो मेमोराइज करना पड़ेगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, आपके पास जितने भी रिसोर्सेस हैं उसको आपको यूज करना पड़ेगा, उस सबको आपको यूज करना है।
पहले जितने भी डॉक्टर्स आते थे उनके पास कोई रिसोर्सेस नहीं था, बस बुक था। आपके पास अभी यूट्यूब है, बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं, प्रेपलेडर, मेरो, ऑन अकेडमी, ये सब आप यूज कर सकते हैं। यूट्यूब के बहुत सारे वीडियोस हैं, डॉक्टर नाजिब के एक ऐप है जो कि बस $5 में आप खरीद सकते हैं, प्रीमियम ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए कौन कौन सा यूट्यूब चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा तो नीचे कमेंट में डाल दीजिए। और अगर ये वीडियो आप लोग पसंद करते हैं, कैसे पढ़ाई करना है, कैसे उसके ऊपर फोकस करना है, तो ऐसे रिलेटेड वीडियोज़ में मैं आगे लाऊँगा। अगर 50 से 60 लाइक्स यहाँ पर हो जाते हैं इस वीडियो पर तो हम आगे सोचेंगे, आगे ऐसे रिलेटेड वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आप अपने फर्स्ट ईयर को एक पिलर की तरह यूज कीजिए, यानी कि जो बेस होता है, अगर आपका पिलर मजबूत नहीं होगा तो उसके ऊपर आपका मकान अच्छे से नहीं बन पाएगा। ऐसे ही आप अगर फर्स्ट ईयर अपना स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में आपको फिर से फर्स्ट ईयर का चीज़ पढ़ना पड़ेगा, वो दिक्कत हो जाता है। अगर आप एनाटॉमी अच्छे से नहीं पढ़े तो सर्जरी के टाइम में आपको पता नहीं होगा कौन सा चीज़ कहाँ पे है, तो आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप फिजियोलॉजी नहीं जानते तो आपको क्लिनिकल जब करेंगे उस टाइम पे आपका को बहुत सारा दिक्कत होगा। तो इसलिए आप अपना फर्स्ट ईयर को बहुत बढ़िया से फोकस कीजिए। अभी आ जाते हैं 5 नंबर पॉइंट, जो कि गुड इम्प्रेशन विथ टीचर्स। अपने टीचर्स के साथ गुड इम्प्रेशन रख के रखिए, क्योंकि अगर मैं मेनली MBBS एब्रोड की बात करूँ तो आपको वहाँ का जो एग्ज़ाम रहता है वो 60% टीचर के हाथ में होता है। 60% क्यों बोल रहा हूँ, देखिए, क्योंकि 20 मार्क का एक मॉड्यूल रहता है जिसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन देना होता है, 60 मार्क का भाइवा रहता है जिसमें कि टीचर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन रहता है, और 20 मार्क वो भी टीचर देते हैं जो कि आपके क्लास परफॉर्मेंस को देख के देते हैं। इसलिए आप अगर टीचर्स के साथ अच्छे से बना के रखते हैं तो आपको बहुत हेल्प करेगा, ना कि बस आपका इंस्टीट्यूट का जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें अच्छे करने के लिए। उसके बाद भी आप अगर कोई डाउट होता है तो उनसे पूछ सकते हैं, उनसे अच्छे से इंटरेक्शन कर सकते हैं, वो आपसे चिढ़ेंगे नहीं आप अगर कोई डाउट पूछते हैं तो। और वीडियो को आप लोगों ने अभी तक देख लिया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। फोकस ऑन दी मेन सब्जेक्ट्स लाइक एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेम, हिस्टोलॉजी, ये सब में आपको फोकस करना है। फर्स्ट ईयर में बहुत सारा ज़्यादा सब्जेक्ट रहता है, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ किर्गिस्तान रहेगा, हिस्ट्री ऑफ यूक्रेन, जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ का हिस्ट्री रहता है। कुछ एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस रहते हैं जैसे कि किर्गिज लैंग्वेज, मनास पढ़ते हैं आप, मनास एक वहाँ का फ्रीडम फाइटर टाइप के हैं जो कि किर्गिस्तान के लिए बहुत कुछ किए हैं, तो उनके बारे में भी पढ़ते हैं। इसके बाद आप रशियन लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो लैंग्वेज में फोकस करना है। मैं नहीं बोल रहा नहीं करना है, क्योंकि बाद में आपको वो भी हेल्प करता है सोसाइटी के साथ मिलने के लिए, इसके बाद पेशेंट लोगों के साथ इंटरेक्शन करने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये जो मेन सब्जेक्ट मैंने आप लोगों को बताया उसमें ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा फोकस आपको वहाँ पर डालना है। ज़्यादा आप रट्टा मार मार के किर्गिज लैंग्वेज अगर पढ़ भी लिए तो बाद में आपको उतना हेल्प नहीं करेगा जितना आप अगर एनाटॉमी पढ़ते हैं या फिजियो पढ़ते हैं तो आपको हेल्प करता। तो वहाँ का थोड़ा सा टाइम कम कर दीजिए, ऐसा नहीं कि पूरा बंद कर दीजिए, वहाँ का थोड़ा सा टाइम कम कर दीजिए जो किर्गिज लैंग्वेज है, रशियन लैंग्वेज है, लैटिन लैंग्वेज है, और जो मेन सब्जेक्ट है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर दीजिए। और आपके पास तो बहुत सारा सोर्सेस भी है, आप एनसाइक्लोपीडिया है आप लोगों के पास, बहुत सारा ऐप है जिसमें कि आप बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, फिजियोलॉजी, ये सब देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, तो आपका वो बहुत हेल्प करेगा। सो गाइस, अगर ऐसा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए अगर आपको अच्छा लग रहा है। तो और कुछ अगर आपको लोगों को जानना है और किसी चीज़ के बारे में आपको वीडियोस चाहिए तो बेशक आप वहाँ पे कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।